अमदावाद विवादित नित्यानंद आश्रम केस में जनार्दन शर्मा की फरियाद ने आधार पुलिस आश्रम में तपास करी थी। आ तपास कर्या बाद जिला शिक्षण अधिकारी मेळवेली यादी मुजब आश्रम में 37 बाळकों रहता था, जेमांथी 24 बाळकों डीपीएस में अभ्यास करता था। तपास दरमियान सामे आव्युं छे के केटलाक बाळकों अमेरिका मलेशिया अने ऑस्ट्रेलियाना एनआरआई परिवारों ना छे, तो साथ ही 4 बाळकों प्रमाणपत्र में एवो पण उल्लेख होवानुं जाणवा मळ्युं छे, जेमां उल्लेख करवामां आव्यो छे के आ बाळकों विदेश में जन्म्या छे। एक पछी एक बाळको आश्रम ने हवे अलविदा कही रह्या छे अने आजे वधु एक किशोरीए पण आ आश्रम छोड़ी दीधो छे। आ साथे ज विवाद जे थयो छे ने विवाद बाद अत्यार सुधी टोटल जे आंकड़ो छे के 9 बाळकोए आ आश्रम छोड़ी दीधो छे अने जिला अधिकारीनी यादी मुजब आश्रम में ज्यां 37 बाळको हता तेमांथी 9 बादबाकी अने आश्रमना 37 पैकी 24 बाळको डीपीएस में अभ्यास पण करता हता। आ 4 बाळको विदेश में जन्म्या होवाना पण तेमना प्रमाणपत्र मळी आव्या छे। बाळकोना निवेदन नोंध्या बाद हवे तेओने वालीओने सुपरत करवामां आव्या छे, वालीओने सोंपी देवामां आव्या छे अने तमाम बाळकोना निवेदनो पण हवे नोंधवामां आव्या छे। कुल 37 मांथी 24 बाळको डीपीएस માં પણ અભ્યાસ કરતા હતા। વિવાદ તો આપ લોગ બન રહે હૈ, विवाद कोई है नहीं, अंदर अंदर तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा, तो आपकी लड़की अच्छे से थे? अच्छे से हाँ। आप वापस छोटे आओगे बच्ची को? हाँ जी सर। कितने दिनों के लिए लेके जा रहे हैं? अभी शादी के लिए जा रहे हैं, उसके बाद लेके आएंगे। कितना टाइम मतलब? 5 दिन 10 दिन? सारा इसके दिन तो आपको नहीं बता सकते हैं। और बच्चे भी अंदर से जाना चाहते हैं, ऐसा के बारे में आप कहेंगे? और ये जो अंदर मुझे पता नहीं, अंदर तो ये तो योगिनी पीठम है, तो हम लोग नहीं जा सकते अंदर। जो दो जो पेरेंट्स ने अभी उनके लड़कियों के बारे में बोला था, बार मजूरी के बारे में, क्या कहेंगे पूरे मामले में? नहीं, हमारी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है।